नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां बीते दिनों हुए बारिश और तूफान के बाद किसानों की फसलों के नुकसान होने पर आज किसानों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान किसानों ने मुआवजा देने की बात कही। आप देख रहे हैं मऊ से अमन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इधर जो है 4-5 दिनों से लगातार बारिश हुई है। हम किसानों की गेहूं की फसल जो है खेत में सो गई है, गिर गई है, चौपट हो गई। मसूर की फसल, मटर की फसल, सरसों की फसल, रहर, चना, ये सब फूल झड़ गए हैं और किसानों की भारी क्षति हुई है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और जिला प्रशासन जो है किसानों को तुरंत मुआवजा दे, और वो हर जिले 15 जिले में, प्रदेश के 15 जिले में पैसा रिलीज भी कर दिए हैं ताकि किसानों को मुआवजा मिले और अपना पारिवारिक कार्य और खेती का कार्य कर सके। लेकिन मऊ जिले के जो अधिकारी हैं, यहाँ की जो बीमा कंपनी है, यहाँ जो कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, इसके कारण तो कोई जू नहीं देख रहा। ये सब किसान विरोधी है। लगता है कि हम लोग से घूस लेंगे तब रिपोर्ट भेजेंगे शासन को। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसानों के साथ हैं, मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रिपोर्ट भेज रहे हैं? न गाँव में जा रहे हैं, न खेतों में जा रहे हैं, न कोई सर्वे कर रहे हैं। एक है कार्यालय में बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं। हम आज जिलाधिकारी महोदय को पत्र दे करके मांग कर रहे हैं, तुरंत खेतों में प्लाट टू प्लाट सर्वे करा करके जो क्षति हुई है किसानों की, इस जिले में कम से कम 50% क्षति हुई है, किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, इसलिए हम आज पत्रक देने आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।